बच्चा चोर। काफी दिनों बाद हाथी के यहाँ बच्चे ने जन्म लिया था। सब जानवरों को बच्चे की खुशी में शामिल होने के लिए बुलाया गया। सब जानवर खुशियाँ मना ही रहे थे कि तभी हाथी के गुस्से वाली आवाज ने सबको डरा दिया। क्या हुआ? इतने खुशी के मौके पर तुम गुस्से में क्यों हो? किस बात की खुशी? मेरे बच्चे को कोई उठाकर ले गया है, वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। अब जब तक वो नहीं मिल जाता, मैं तब तक पूरे जंगल को बर्बाद करता रहूंगा। हाथी की बात को काटना किसी के बस की बात नहीं थी। सब लोग डर के मारे उसके बच्चे को ढूंढने लगे। कोई भी नहीं चाहता था कि उनका घर, उनका जंगल बर्बाद हो जाए। सबके काफी कोशिश करने के बाद भी किसी को बच्चे की खबर नहीं मिली। गुस्सेल हाथी ने पेड़ों को जड़ से उखाड़ना शुरू कर दिया। अरे कोई रोको इसे, इन पेड़ों पर तो हमारा घर है, अगर ये नहीं रहेंगे तो हम सब कहाँ जाएंगे? रुको सब, मेरी बात सुनो, मुझे बच्चे का पता चल चुका है। उस हाथी को रोको पहले, वरना मेरे घोंसले भी टूट जाएंगे। हाथी के गुस्से की वजह से कोई भी उसके पास सामने जाने को तैयार नहीं था। पंछियों में बाज ही हिम्मत वाला था, इसलिए उसने हाथी को रोक उसे तोते की कही बात बताई, जिसे सुनकर हाथी शांत हो गया और तोते से अपने बच्चे का पता पूछने लगा। अरे हाथी जी, वो आपके बच्चे को एक बड़ा सा गोरिल्ला उठाकर ले गया है। वो पहाड़ी की तरफ जा रहा है। पहाड़ी की उस तरफ जाने से पहले आप उसे रोक लो, वरना वो फिर कभी हाथ नहीं आएगा। कुछ जानवरों ने मिलकर हाथी की मदद करने की ठान ली। जो जानवर तेज दौड़ सकते वो गोरिल्ला को ढूंढने आगे निकल गए। उनसे भी आगे बाज, तोता, चील जैसे पंछी भी चले गए। हाथी वहां पहुंचे इससे पहले बाकियों ने मिलकर गोरिल्ला को घेर लिया और उसे एक जगह रोके रखा। शुक्रिया दोस्तों, अब यहाँ से मैं इस दुष्ट को देख लूंगा। तुम लोग बस मेरे बच्चे को लेकर यहाँ से चले जाओ। गोरिल्ला शैतान था। दूसरे जानवरों के बच्चों को भगाकर ले जाना उसकी पुरानी आदत थी। सब उससे पहले ही परेशान थे, पर इस बार हाथी से पंगा लेकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। दोनों बलवान थे, दोनों में जमकर लड़ाई शुरू हो गई। काफी देर तक लड़ाई करने के बाद गोरिल्ला ने हार मान ली, पर हाथी उसे ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं था। उसने उसे हमेशा के लिए पास ही के एक गुफा में बंद कर दिया और बाहर से एक बड़े से पत्थर को गुफा के दरवाजे पर रख दिया, ताकि वो दुष्ट फिर कभी बाहर आकर और किसी को तंग ना कर पाए। माफ करना दोस्तों, गुस्से में आकर जंगल के काफी नुकसान कर दिया मैंने, कितनों का घर तोड़ दिया। कोई बात नहीं, आपकी हालत हम समझ सकते हैं, और रही बात घरों की, तो हम सब मिलकर फिर से उसे पहले जैसे बनाएंगे। सब जानवरों ने एकजुट होकर काम किया और टूटे हुए घरों को फिर से पहले जैसा बना दिया। हाथी ने भी मन लगाकर उन सब की मदद की। आखिरकार सब एक बार फिर से खुश नजर आने लगे। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमेशा अपने गुस्से को काबू में रखना चाहिए। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।